अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे और सभी की गार्डनिंग बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो सुबह सुबह तकरीबन 7:30-8 का टाइम है और मैं आज अपने गार्डन की कुछ क्लीनिंग कर रही थी, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और ना कोई मेड और ना कोई हेल्पर। जबकि बरसात शुरू होने वाली है आने वाले दिनों में, तो ऐसे में गार्डन की एक दफ़ा से अच्छी तरह सफाई कर ली जाए तो बहुत ही बेस्ट है। और आपको नज़र आ रहा होगा कि मेरे गार्डन में काफ़ी उधम मचा हुआ है आज, और बहुत ज़्यादा प्लांट्स जो हैं इधर उधर हुए पड़े हैं, और कुछ मैंने प्लांट्स की कटिंग वगैरह की है और कुछ सेटिंग वगैरह कर रही हूँ। तो किया यह है कि मैंने सुबह सुबह छत पे आके अपने गार्डन में आके नमाज़ पढ़ी, और उसके बाद चाय का कप पीने के बाद मैं अपने काम में लग गई। तो कुछ प्लांट्स मेरे इधर उधर पड़े थे जो कि मैं सेट करना चाह रही थी, मुझे लग रहा था कि ये ठीक जगह पे नहीं पड़े हुए। तो एक तो ये मेरा प्लूमेरिया का प्लांट जो है ये फ्लावरिंग पे आने वाला है, तो ये साइड पे पड़ा हुआ था, क्योंकि कुछ दिन पहले हम लोगों ने टेरेस पे अरेंजमेंट किया था नाइट के लिए, तो मेरे पॉट्स वगैरह उठाने पड़े थे मुझे। कुछ इस साइड से साइड पे किए थे, यानी कि जगह खुली की थी, और कुछ मैंने इधर सेंटर में से, यहाँ मैंने जितनी भी मैंने सदाबहार की सीडलिंग ट्रांसप्लांट करके रखी थी सारी की सारी वो पड़ी थी। और उन दोनों में हुआ ये कि मेरे एक पॉट सुबह टूट रहा था और एक पॉट शाम को टूट रहा था, चारपाइयाँ इधर उधर करने की वजह से। तो अब जैसे ही सारा सेटअप नीचे ट्रांसफ़र हुआ है, तो ये देखिए आपको निशानात नज़र आ रहे होंगे, इस तरह से मेरे पॉट्स टूटे पड़े हैं। और कुछ मैं तो ये वीडियो बना के शेयर करने का मकसद ये है कि जब हम अपने गार्डन की इस तरह से सफाई करते हैं, कुछ कटिंग शटिंग करते हैं या झाड़ू लगाते हैं, सारी गमलों के पीछे से मट्टी निकाल के इधर उधर जो भी इनकी सफाई होती है सारी करके, तो जितना भी ये वेस्ट मटेरियल निकलता है हमारे गार्डन से, लीव्स और स्टिक्स, ये सब तो सब जाएंगी कंपोस्ट बिन में, और जो मट्टी निकलती है ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये काफ़ी सारी मिट्टी निकली हुई है, तो इस सारी के साथ हम अपने पॉट्स भर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हम इसको छान छान के फिर ही पॉट्स में डालें, आप इसको ऐसे ही पॉट्स में डाल के ऊपर पानी डाल दें, 5-10 दिन पड़ा रहे, उसके बाद थोड़ी सी मिट्टी इसके ऊपर और डाल के और आप न्यू प्लांट्स लगा सकते हैं इसके ऊपर। क्योंकि मेरा पॉट्स भरने का तरीका यही है, ये नहीं है कि जब ये वाली मट्टी निकलती है इस तरह से गार्डन में से तो इसको हम वेस्ट कर दें, बल्कि ये जो मट्टी होती है ये बहुत ही फर्टाइल सॉइल होती है और प्लांट्स की ग्रोथ इसमें बहुत ही अच्छी होती है। ये सब मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि ऐसा ना हो कि जो भी न्यू गार्डनर्स हैं जिनको नया नया शौक़ हुआ है अपने गार्डन की या अपने जहाँ पर पॉट्स रखे हुए हैं वहाँ की सफाई करके तो चलें जी सारा कुछ गया डस्टबिन में, नहीं, ये सब चीज़ें हमारे गार्डन को बढ़ाने में बहुत हेल्पफुल साबित होती हैं। देखने में तो बाहर ये कचरा है, लेकिन ये लीव्स वगैरह सब बहुत ही अच्छी कंपोस्ट बन के हमारे प्लांट्स को तकवीत दे सकते हैं और बहुत ही अच्छी फर्टिलाइज़र बन सकते हैं हमारे प्लांट्स के लिए। तो आप अपने गार्डन की सफाई खुद करें या किसी मेड वगैरह से करवाएं, तो ये सब कुछ कभी भी वेस्ट मत कीजिए, ये गार्डन की चीज़ें गार्डन में ही काम आती हैं, और हमारे गार्डन में प्लांट्स को पॉट्स इनके प्लांट्स को और प्लांट्स में जो पॉट्स में मिट्टी डालते हैं उसको इंक्रीज़ करने में हमारी बहुत ही मदद देती हैं, हमारे लिए बहुत मददगार साबित होती हैं ये, और फिर मज़ीद बहुत ही खूबसूरत से इस तरह के कलरफुल न्यू न्यू फ्लावर्स देखने को हमें मिलते हैं। तो चलिए मैं ज़रा सेट कर लूँ सारा कुछ, फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जी। तो कुछ इस तरह से सफाई हो चुकी है कम्प्लीट, क्योंकि मेरा टारगेट होता है कि आज मैंने इस पिलर से लेके तो इस पिलर तक सफाई करनी है, या मैंने इस पिलर से लेके इस पिलर तक सफाई करनी है, या गमलों का आप एस्टिमेट लगा लें कि आज 10 या 20 गमलों की सफाई करनी है, और फर्श साफ़ करने के साथ साथ गमलों में से जड़ी बूटियां निकालनी है और तमाम गमलों को गुड़ाई करनी है और फर्टिलाइज़ करना है। फर्टिलाइज़ तो खैर अभी मैंने नहीं किया है, क्योंकि मैं नेक्स्ट मंथ करूँगी, जैसे थोड़ा मौसम चेंज होगा फिर करूँगी, लेकिन तमाम पॉट्स की सफाई, अनवांटेड वीड्स वगैरह निकाल के नीचे से सफाई करके सारी,
तो मैं फ्री हुई हूँ अब तकरीबन 1.5 घंटा लग चुका है मुझे। और गार्डन में से जितनी भी मिट्टी इकट्ठी हुई थी उसका मैंने ये वाला 1.5 गमला भर लिया है। अगर आप चाहें तो इसको छान भी सकते हैं, बट मेरे पास इतना टाइम नहीं होता तो मैं छानती छूनती नहीं हूँ। और बाकी जितना भी इसमें से ग्रीन वेस्ट निकला था, सूखे लीव्स और स्टेम्स वगैरह, तो इस तरह से इस बॉक्स में डाल दिया है। तो इसके ऊपर मिट्टी डलेगी और मज़ीद प्लांट्स लग जाएंगे। और अब मैं हो चुकी हूँ काफ़ी लेट, तो अब मैं जा रही हूँ नीचे नेट वगैरह खोल के प्लांट्स को पानी देके। तो आई थिंक कि आपको मेरा तरीका सफाई का या प्लांट्स को मेंटेन करने का अच्छा लगा होगा। और हाँ, इसके अलावा एक चीज़ और कि आप अपने गार्डनिंग टूल जितने भी होते हैं, रंबी हो गई और सीज़र हो गई या स्केटियर हो गया, और सफाई करने के लिए ब्रश और सुपरी जो कुछ भी है, सबको सबकी एक जगह बना लें ताकि आप उसी जगह पे रखें जहाँ से आपने नेक्स्ट टाइम चीज़ें उठानी है। अपना काम करें और जल्दी जल्दी में अपनी चीज़ें इधर उधर फेंक के भाग जाएं, और नेक्स्ट टाइम जब आपने ढूंढनी हो तो आपको दिक्कत हो, इस चीज़ से गुरेज़ कीजिए। तो ओके, इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, मज़ीद किसी खूबसूरत से फ्लावर्स वाले प्लांट के साथ या किसी भी परमानेंट प्लांट के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।